सरकारी चीनी मील हुई बंद। चीनी मील में गन्ना पेराई बंद होने से किसानों को हो रही परेशानी। किसान 5 दिनों से चीनी मील में तौल के लिए खड़े। पुराने पुर्जों से चलाई जा रही सरकारी चीनी मील, किसानों को करना पड़ता है दिक्कतों का सामना। चीनी मील में किसानों के लिए नहीं है कोई सुविधा। किसानों के लिए शौचालय पानी की व्यवस्था जैसी सुविधाएं ना होने से किसान परेशान। किसान की गन्ने की तौल ना होने से सर्दी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नीचे 5 दिनों से पड़े। फर्रुखाबाद के कायमगंज द किसान सरकारी चीनी मील का मामला। हरबल सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जिजौटा बुजुर्ग। अच्छा, ये आप गन्ना लाए हैं? हाँ, मील में गन्ना लाए। तो क्या प्रॉब्लम आ रही मील में? मील में जो बताई खराब होगा, ये रात के 11 बजे से बंद है और हम परसों के आए भाई। अच्छा, आज तीसरों दिन है हमें आए। अब सबसे बड़ी समस्या है तो परेशानी है हमको, कहीं सस्तों पड़ी है, कहीं खनने के लिए काटने के लिए, कहीं गेहूं भरने के लिए हैं। अब यहाँ 3-3 दिन और 4-4 दिन लगे हैं। अभी जब बताते हैं कि अभी 8 घंटा और लगे हैं ये फैक्ट्री। अच्छा, जो गन्ना आप ट्रैक्टर भर के लेके आए हैं और गन्ना में खड़े खड़े सूखेगा भी, अब गन्ना इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कम से कम 1.5 क्विंटल डेली सूखा तो ये सब किसान रोज रोज सूखो तो एक दिन में 1 ट्राली में 1.5 क्विंटल गन्ना सूख गया। अच्छा, जो सूख किसकी तरफ जा रही है? अब सूख सब किसान की तरफ, सब किसान ही इसे झेल तो है राजी से या कुराजी से। अच्छा, यहाँ जब आप 3 दिन से रुके हैं, यहाँ क्या व्यवस्था है तुम्हारे लिए? कोई साफ व्यवस्था नहीं, यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है। ये एक नल था बाहर, वो भी खराब पड़ा है, इन्होंने नहीं उसको ठीक कराया नल को। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।